हेलो फ्रेंड्स, राठौर टू की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास है एयरपोर्ट सेकंड जनरेशन का कॉपी और देख सकते हैं कुछ इस तरीके का क्वालिटी है इसका। और मैं वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिए, मैं इसको चेक करके बताऊंगा किस तरीके से वर्क करता है और क्या इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए और क्या इसमें जेन्युइन और लोकल में क्या अंतर होता है। तो देख सकते हैं हमारे पास जो है ये डुप्लीकेट है, बेसिकली ओरिजिनल का कॉपी है एयरपोर्ट सेकंड जनरेशन। और इसका जो है पीछे तरफ आपको देखने को मिलता है एक छोटा सा पैडिंग बटन और साथ ही देख सकते हैं सर क्वालिटी जो है थोड़ा सा अच्छा लगता है बाहर की तरफ से, आपको ऐसा नहीं लगेगा जो डुप्लीकेट है। पर अंदर जैसे इसको आप बॉक्स को जैसे ओपन करते हैं तो आपको सारा का सारा जो है क्लियर हो जाता है यहाँ पे। और सामने आपको देखने को मिलता है यहाँ पे सीरियल नंबर, इसका QR कोड भी देखने को मिल जाता है। इसे स्कैन करके सीरियल नंबर जो है एप्पल की वेबसाइट पर जाकर डाल के चेक कर सकते हैं जो जेन्युइन है लोकल है। तो सारा जो इसमें जो सीरियल नंबर होता है वो डुप्लीकेट होता है। तो कुछ इस तरीके का इसके अंदर आप डिटेल देखने को मिल जाता है और देख सकते हैं यहाँ पे जो दोनों बॉट्स जो है रखे हुए हैं बिल्कुल जेन्युइन की तरह, जिस तरीके से जेन्युइन होता है उस तरीके से दिखता है आपको अंदर से भी। और यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा आपको LED इंडिकेटर देखने को मिल जाता है सामने की तरफ। इसका बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी उतना खास नहीं है और इंडिकेटर जो है प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे अभी यहाँ पे जो है ऑरेंज से कलर का लाइट जो है ग्लो हो रहा है। देखो जैसे बॉक्स को हम ओपन ऑन ऑफ करेंगे वैसे ही जो लाइट ग्लो होगा। अब पीछे एक पैडिंग का आपको बटन देखने को मिल जाता है सामने की तरफ, यहाँ पे मेंशन रहे हर एक चीज। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाता हूँ, जैसे इसको ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ पे जो है लाइट जो है ग्लो होगा, ऑफ होगा, ऑन होगा। तभी केस जो है डिस्चार्ज हो रखा है, इस वजह से जो लाइट जो है यहाँ पे ऑरेंज दिखा रहा है। फुल चार्ज होने पे ग्रीन लाइट दिखाता है ये, और जब भी ये बर्ड्स चार्ज होता है तो ग्रीन लाइट दिखाता है। तो देख सकते हैं बर्ड्स जो है कुछ इस तरीके दिखता है आपको बाहर की तरफ से। यहाँ पे जो है आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन की जगह पे एक छोटा सा स्टिकर लगा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे एक छोटा सा देख सकते हैं सेंसर है जो एयर को डिटेक्ट करता है अभी क्या ये बाहर है या फिर एयर के अंदर लगा हुआ है। तो डिटेक्टर सेंसर है यहाँ पे, और ये मेरे पास राइट साइड का है देख सकते हैं, और अंदर से कुछ इस तरीके दिखता है। और यहाँ पे जो है इसका जो है स्पीकर ग्रिल का छोटा सा आपको जाली देखने को मिल जाता है यहाँ पे अंदर की तरफ से। तो देख सकते हैं ये जो है काफ़ी अच्छा नॉइज कैंसलेशन के लिए होता है जो ओरिजिनल वर्क करता है, लोकल में तो आपका कोई वर्क करता ही नहीं है। और स्पीकर भी आपको जो है बिल्कुल ही थर्ड क्वालिटी का रहता है इसके अंदर। और ये देख सकते हैं कनेक्टर जो है अभी एक साइड से जो है ये टूटने वाला ही है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसके लिए, दो हफ्ते में एक साइड से जो कनेक्टर जो है टूटने वाला है, बिल्कुल ही चीप क्वालिटी का लगा होता है इसके अंदर। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा बिल्कुल भी ये लेने के लिए, और आपको लेना है तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, 1000 से 1500 के अंदर आपको देखने को मिलता है ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केट में आपको देखने को मिलता है। रियलमी हो गया और भी बहुत सारी कंपनी, प्रीटून हो गया, इन सब के मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल ही आपको कॉपी देखने को मिलता है एप्पल का। और यहाँ पे जो सीरियल नंबर इस तरीके से मेंशन आपको लेगा ये ओरिजिनल है, पर कई लोग जो ओरिजिनल बोल के ही बेच देते हैं कुछ इस तरीके से। इसका बैटरी लाइफ जो है मैं आपको बताया, तो बैटरी लाइफ है इसका अगर आप एक बार चार्ज कर लेते हैं इसको, फुल चार्ज करने के बाद केस को इसका बोर्ड का जो बैटरी लाइफ है वो 3 से 4 घंटा आपका चलता है ये लोकल। और जेनरल लेते हैं तो जेनरल आपका 5 घंटे में चल जाता है एक जो है एक साइड का, और दोनों साइड का यूज करते हैं तो दोनों साइड का मिला के आपको 5-6 घंटे चल जाता है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से क्वालिटी देखने को मिलता है। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो कॉन्टेक्ट सबसे मिलती रहे। तो दोस्तों मैं इस तरीके का कॉन्टैक्ट जो है आपके लिए लाता रहता हूँ, और देख सकते हैं आप कोई भी अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो में आपका नाम लूँ तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। और वीडियो में कोई भी मिस्टेक आपको देखने को मिलता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, कोशिश करेंगे आगे से उस मिस्टेक को क्लियर करने की। तो देख सकते हैं कुछ तरीके का ये हमारा रिव्यू वीडियो था, और कैसा लगा आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।